Hey guys, welcome back to the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Jagdish and you are watching Eyes of His. So today it's a nice weekend and we are again out for an adventure. So aaj hum log aaye Tikona Fort. Right now we are at the base of Tikona Fort, which is Tikona. And yahan pe pahunchne ke liye nearest station hai Lonavala. Lonavala se approx 25 kilometers pe hai Tikona. So hum log to apni khud ki gaadi se aaye hain. एक पुणे से, और ये सारे मेरे पुणे के फ्रेंड्स के साथ हूँ मैं. टोटल 7 जने मेरे को लेके, ये हेमंत, राजू, सुनील, यो आई रिमेम्बर योर नेम, ये अभी वो गौरव ब्लैक टी शर्ट में एंड व्हाइट टी शर्ट में अभी मल. अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, वो गौरव ये भी मल. ओके तू कौन है? तू हम लोग के साथ है. तुम साथ नहीं हो? ये हेमंत है. व्लॉग अच्छा मांगता ना ब्रो? यस यस यस, हेमंत आया तो व्लॉग अच्छा होना मांगता है. सो यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे होटल्स है खाने के लिए, स्नैक्स के लिए, और उन सबका पार्किंग है. आप जहाँ पे खा रहे हो वहाँ पे पार्क कर सकते हो, और अलग से फ्री पार्किंग भी है तिकोना फोर्ट का. एंड ये पीछे जो पीक दिख रहा है, दैट्स द पीक हो रहा वहाँ पे. सो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया, कितना 10:20 हो रहा है ऑन द क्लॉक, एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने. ऑलमोस्ट 10 मिनट हुए, और 10 मिनट में हम लोग अच्छे खासे हाइट पे आ गए. स्टार्टिंग से अच्छा खासा स्टीप क्लाइम है, स्टेयर्स काइंड ऑफ बना है. ये मस्त व्यू, दैट्स अभी पीछे दूसरा ग्रुप है, उसके पीछे अपने बंदे, एंड आई गेस पूरा टॉप. लेट्स सी यहाँ से कितना टाइम लगता है. इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप हाइक एंड वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट. यहाँ पे मस्त एक दरवाजा है एंड यहाँ पे एक अच्छा व्यू है. थैंक यू. ऑलराइट, ओके. यहाँ पे बस दस सेट इतना ही है. यहाँ पे जस्ट एक व्यू है, वो डोर है, वहाँ से ये मेन एंट्रेंस है. थोड़ा ऊपर है एंड यहाँ पे एक पॉन्ड है, और ये मंदिर है. ओके, यहाँ पे बाद में जाते हैं. शंकर भगवान का मंदिर है एंड कुछ केव्स है. एनीवेज चलते हैं इधर से ऊपर. चलो 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 हेमंत, चलो 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 चलो. इसके यहाँ से आई गेस प्रॉपर स्टीप क्लाइम यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ पे लिखा है बाले किला. ऑलराइट, तो यहाँ से प्रॉपर स्टीप क्लाइम है. ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया हम लोग को. लेट्स गो. काफ़ी स्टीप है ये, यहाँ पे पाइप बांधा हुआ है रस्सी की जगह. अगर ये नहीं होता, ओह पाइप नहीं वायर है, ना बैठ. अगर ये नहीं होता, थैंक यू हेमंत. इस बंदे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मत करो.
काफी स्टीप क्लाइम है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग। ओके यहाँ पे एक फ्लैट हुई मस्त, एंड जिनको मंकीज से डर लगता है बी वेयर ऑफ मंकीज। तो हम लोग वहाँ से आए, यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा प्लेटू है, अगर आप स्टे कर रहे हो तो दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू स्टे। बस झाड़ वाड़ है और प्लेन है, वहाँ पे एक रास्ता है, हम लोग वो दरवाजे जैसा दिख रहा है एंट्रेंस जैसा वहाँ से है, वहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ पे वो रहे मंकीज जो आपका खाना चुराने के लिए रेडी है। सो यहाँ से ऊपर आने के बाद ये साइड पे केव्स है कुछ जिसमें पानी है, गैस यस इसमें पानी है, इसमें भी पानी है। सो ये पानी जो से स्टोर होते हैं टैंक्स में ऐसे, वो पीने लायक होते हैं मोस्टली, तो अगर आप मानसून के थोड़े बाद लेक नवंबर दिसंबर तक में आ रहे हो तब तक ये पीने लायक रहते हैं, बाद में धीरे धीरे इसमें थोड़ा कचरा वचरा एंड फिर कीड़े वीड़े बढ़ जाते हैं, सो आई एम नॉट श्योर तभी पीने लायक रहेंगे कि नहीं, बट ऐसे पानी काफ़ी ठंडे और पीने लायक तो होंगे। अभी हम लोग के पास इनफ वाटर है सो वी आर नॉट गोना यूज़ दिस, बट यस अगर आप यहाँ पे कैंप कर रहे हो सो ये पानी फॉर श्योर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है बट यहाँ पे इन्होंने वायर बांधा हुआ है अच्छा खासा, सो नथिंग टू वरी, मस्त वायर को पकड़ के ईजिली आ सकते। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 एंड वी मेड इट टू द पीक। एक यहाँ पे फ्लैग है और एक वहाँ पे फ्लैग है और ये आई गेस द हाईएस्ट पॉइंट है तिकोना का। सो अप्रोक्स 1 आवर लगा, हम लोग थोड़ा आराम से आए और वो सीढ़ी पे थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी स्टीप है, दो वहाँ पे रस्सी बांधा है, बट अच्छा थ्रिल था, मस्त था वहाँ पे। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट एंड यहाँ पे भी एक पॉन्ड है। पानी तो बिल्कुल भी पीने जैसा नहीं है, बहुत ही गंदा है। आई विश मेरे पास एक ड्रोन होता, क्या मस्त उड़ाने मज़ा आता है इधर से, बस यहाँ पे क्या व्यू एकदम। सो वो था सेकेंड पॉइंट, वो था फर्स्ट पॉइंट एंड ये सबसे ऊंचा पॉइंट, जस्ट अ प्लेन प्लेटू, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ है नहीं फोर्ट पे एक्सप्लोर करने के लिए, नीचे एक मंदिर है, मंदिर के नीचे एक वाटर का सोर्स है, पानी स्टोर्ड है वहाँ पे एंड यप दैट्स ऑल। काफ़ी छोटा है फोर्ट है एंड ऊपर भी काफ़ी कम चीज़ है देखने लायक, कुछ पानी की टंकीज है एंड दो बुरुज है, दो या तीन बुरुज है, दैट्स इट। काफ़ी अच्छा, काफ़ी छोटा, काफ़ी स्वीट सा फोर्ट लगा एंड या वी आर ऑलमोस्ट डन, अभी उतरेंगे मंदिर में जाएंगे मोस्टली, यस मंदिर में जाएंगे और यस वहाँ पे एक मावड़े है, उन्होंने मस्त मावड़े का गेटअप लिया है और वो जितने भी ग्रुप आ रहे हैं उसमें से एक मेंबर का नाम लेते हैं, कहाँ से आए, कितने लोग हैं और उनका नंबर नोट कर रहे हैं। सो हम लोग में से अभी का नंबर लिया, कहाँ से आए सब डिटेल लिया, 6 जने हम, सॉरी 7 जने हम लोग। सो ये एक अच्छा है कि काउंट है, 10 रुपये लेते हैं पर 20 रुपये ठीक है ना, इतना ऊपर है तो इतने हो, इधर ही है बस, यही हो इतने, सही है ना। सो ये लैंग्वेज नहीं समझेगा
जो नेपाली है उनको समझेगा या जो नॉर्थ ईस्ट से शायद उनको। सो सुनील नीचे था, उसने मस्त हिम्मत दिखा के आया ऊपर। हो उसको काफ़ी डिजी फील हो रहा था, वॉमिट जैसा हो रहा था, बट मानना पड़ेगा फुल हिम्मत करके आया भाई ऊपर। एंड ये वो मंदिर है जिसकी बात कर रहा था मैं। सो ये रहा एकदम टॉप का प्लेटू, वहाँ पे दो फ्लैग्स, और अभी जाते यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे। जे समोर जे बघतो आपण हा बालेकिल्ला मारते वरती येणारा, ते समोरचे जे आहे ये पूर्ण बुरुज आहेत, ही तटबंदी समोरची दिसती आणि पाठीमागच्या साईडला आपल्याला दोन बुरुज आहेत पण त्याची थोडीशी भिंत ढासळलेली आहे, पण ते व्यवस्थित प्रकारे आपल्याला छानपैकी बघता येतात। हो हो, तिकडे दोन झेंडे आहेत, दोन झेंडे दोन्ही साईडला, पाठीमागे वरण तळ आहे। ओके, ते वरण तळ आहे, वरण तळ आहे, आणि खाली एक तळाव तो पण वरण तळा देवीचा मंदिराचा पहिला तळाव होतो पाण्याचा। ओके ओके, राजमार्ग सगळं गडावरती येणार, राजमार्ग। आणि तिकडे एक पहिला दरवाजा आहे तो वेतळा दरवाजा, म्हणजे गडांवरती येण्याचा तो पहिला दरवाजा, म्हणजे गडांवरती संध्याकाळच्या 5 वाजता दरवाजा बंद होतो, दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजता उघडतो, म्हणजे तो दरवाजा कंट्रोल साठी असायचा। अच्छा, रात्रीचे जे कोण येणारे मावळे किंवा इतर काही लोक आहेत त्यांना ते थांबवण्याचा प्रयत्न त्या दरवाजात असायचा, ते दरवाजा उघड झाक करून शनिगडावरती एंट्री द्यायची ना द्यायची ते त्या दरवाजा, त्या दरवाजा, त्या दरवाजा। आणि समोर जो झाडीमध्ये आपल्याला थोडासा दिसतो तो दरवाजा आहे। अच्छा, तो हा गडावरती येण्याचा तो पहिला राजमार्ग। आणि तिकडने जाण्यासाठी रस्ता कुठून आहे? आता रस्ता खालचा खराब झालेला आहे त्याच्यामुळे तो रस्ता बंद केला आणि या साईडचा आपण एक रस्ता चालू। ओके चालेल, थँक्यू दादा। तुमचं नाव काय? माझं नाव सुजित मोहोळ, मी गडपाल वनुषण इथं काम करतो। ओके बरं, धन्यवाद दादा। जय शिवराय। जय शिवराय। सो पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया अभी हम लोग ने, अभी उतर रहे, टाइम हो गया 12:30 हो गया, अच्छा खासा टाइम लिया, ऊपर रेस्ट किया, थोड़ा खाया पिया, एंड यस अभी उतरते हैं। उतरने को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 आवर लगा था चढ़ने के लिए, तो मैक्स 30-45 मिनट्स इनफ है उतरने के लिए, फटफट उतरता हूँ मैं, एंड यस मिलते सीधा नीचे। सो हम लोग अच्छे से उतरे, मस्त ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लगा हम लोग को उतरने के लिए। उतर के मस्त हम लोग ने नाश्ता किया, मैगी और कांदा भजी खाया, अच्छे से रिलैक्स किया, थोड़ा टाइम लिया बिकॉज राइड करके अभी जाना है घर। सो यस काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 2:30 होने हो गया अभी। अबाउट द ट्रैक, ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, एकदम शॉर्ट ट्रैक है। सो अगर आप बिगिनर हो, आप ट्रैक देख रहे हो ऐसा कुछ ईजी काइंड ऑफ ट्रैक, तिकोना इज़ वन ऑफ देम, लोनावाला इज़ द नियरेस्ट स्टेशन। लोनावाला से आप रिक्शा या जो भी आपको प्राइवेट व्हीकल मिले वैसे आ सकते हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू आ सकते हो। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी स्पेस है। मैन ये बहुत इजी ट्रैक है, काफ़ी मस्त है, ऊपर ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, जो भी है सब पास में ही है एक्सप्लोर करने के लिए, एंड सब कुछ अवेलेबल है। बीच बीच में नींबू पानी एंड पानी और छाछ के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स काइंड ऑफ है, और नीचे प्रॉपर होटल जैसे है। सो सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छा और इजी ट्रैक है। सो यस डू विजिट दिस, एंड यस करता हूँ ये व्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा, आपको पसंद आया, सो लाइक दिस वीडियो, एंड अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करता हूँ ये व्लॉग यहीं पे एंड, मिलूँगा नए व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय।